ये एक ऐसी एनिमे मूवी है जो ये सोचते हैं कि यार हम एनिमे क्यों देखें, क्या होता है उसके अंदर, कैसा कंटेंट होता है उसके अंदर। तो आप जब ये मूवी देखोगे तब आपको फील होगा कि एक्चुअल में जो कंटेंट क्या हुआ है, एनिमे के जो एक्सट्रीम लेवल के जो कंटेंट होते हैं, इमोशन होते हैं, वो जब आप इस मूवी को देखोगे तब आपको पता चलेगा। तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा माकिया व्हेन द प्रॉमिस्ड फ्लावर ब्लूम्स एनिमे मूवी के बारे में, जो 2018 में आई थी और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 2 घंटे की है। और जब आप इस मूवी को देखकर हटोगे तब आपको फील होगा कि यार ये 2 घंटे बहुत कम है, क्योंकि इसके अंदर जैसे इमोशन दिखाए गए हैं आपको लगेगा यार इसको थोड़ा बहुत और टाइम देना चाहिए था, यहां पर चीजों की डेवलपमेंट और अच्छे से होनी चाहिए थी। ये जो मूवी है आप चाह कर कि यार ये मेरे दिमाग से निकले, इसके करेक्टर मेरे दिमाग में ना आए, फिर भी वो आएंगे, वो लूप के तरीके से, मतलब बार बार आपको रिकॉल होते रहेंगे, इतना इफेक्ट आपके ऊपर डालने वाली है। सेम मेरे साथ ऐसा हुआ। और ये एनिमे की मुझे सबसे गंदी बात यही लगती है, क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा गहरा पड़ता है। अगर कोई अच्छी मूवी होती है, अच्छी एनिमे सीरीज होती है, उसका वैसे जो खराब होती है उनका तो इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इस मूवी में जो एनिमे करेक्टर है, इसकी जो स्टोरी है, वो बार बार मेरे दिमाग में आ रही है, उनके बारे में सोचे जा रहा हूं कि यार ये चीज गलत हुई, कितना ज्यादा इमोशन था यहां पर, ये चीज कितनी ज्यादा उदास थी, कितना दर्द था इस चीज के अंदर, बार-बार चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी। तो अब इस मूवी की कहानी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उसकी कहानी पर जाने से पहले एक छोटी सी वार्निंग मैं देना चाहूंगा, क्योंकि इसके अंदर स्पॉइलर होने वाले हैं, तो अपने रिस्क पे देखना। देखो स्पॉइलर इसलिए हैं, ये मूवी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, और इसके बारे में जो कुछ एक सीन है, जो स्टोरी इसमें, जिसको पर्टिकुलर कुछ जो डायलॉग है या फिर जो चीज दिखाई गई है, मुझे लगा कि यार इसके बारे में बात करनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा पसंद आई और अपने आप को मैं रोक नहीं पाऊंगा उनके बारे में बात करने के। तो अपने रिस्क पे देखना, क्योंकि इसमें स्पॉइलर होने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी के बारे में। तो एक ऐसा समुदाय जिसके अंदर दिखाया गया, क्लैन ऑफ सेपरेटेड कहा जाता है उनको, जहां पर लोग जो हैं, इस समुदाय के जो लोग हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते, वो जवान रहते हैं, उनकी उम्र नहीं बढ़ती है, ये एक तरीके से अमर है, लेकिन अमर नहीं भी है जब तक इनको मारा ना जाए। जिस दिन इनको मार दिया जाएगा इनकी अमर, मतलब ये ऐसा नहीं है कि इनको मार दिया तो वापस जिंदा हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, मर सकते हैं ये, लेकिन जब तक इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, बड़े ही शांति से रह रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अब इंसानों के अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी या फिर ऐसी इच्छा होती है कि यार हमें ये पावर मिल जाए, इनके पास ऐसी पावर आई कैसे, ये जवान कैसे रहते हैं। तो इस क्यूरियोसिटी में, इनकी पावर पाने के चक्कर में या लालच में, इनके ऊपर ये अटैक कर देते हैं, इस समुदाय के, क्लैन ऑफ सेपरेटेड के ऊपर ये अटैक कर देते हैं, एक इंसानों का समुदाय या उनका किंगडम जब इनके ऊपर अटैक करता है। तो यहां से माकिया नाम की एक करेक्टर है, इस समुदाय में ही होती है, वो माकिया जो है वो जैसे तैसे यहां से निकल जाती है। अब जो माकिया को जब आप देखोगे, जब ये सीरीज या मूवी जो है आप स्टार्ट करोगे देखना, तो स्टार्टिंग में जैसा इसका एक्सप्रेशन दिखाया गया, वो बहुत ज्यादा अकेली है, उदास है, क्योंकि इससे कोई बात करने वाला नहीं है, इसके साथ रहने वाला कोई नहीं है। और जब यहां से जब इसके समुदाय पर अटैक होती है, तो यहां से जब वो बाहर निकलती है, इंसानों के इलाके में पहुंचती है, तो इसको और ज्यादा अकेला फील महसूस होता है कि यार अब तो मेरा समुदाय भी मेरे साथ नहीं है। यहां जब वो अपने अकेलेपन से लड़ने के लिए एक बच्चे को पालना शुरू करती है, एक छोटा बच्चा होता है उसको पालना शुरू करती है, और ये बच्चा इसको जंगल में मिला था, जो इसकी मां जो है इसको बचाते बचाते मतलब मर गई थी। आप देखोगे तो बहुत वहीं से आपको फील होने लगेगा कि यार ये मूवी सच में बहुत ज्यादा दर्दनाक, पेनफुल होने वाली है। और जो क्लैन ऑफ सेपरेटेड के पास, जैसा एक तरीके से आप समझोगे ये कभी बूढ़ा नहीं होता, इनकी उम्र नहीं बढ़ती, यहां पर ये जो चीज दिखाई गई है कोई पॉजिटिव वे में नहीं, एक तरीके से ये दिखाया गया कितना बड़ा इनके ऊपर श्राप है, इनको ये चीज सहनी पड़ेगी ता उम्र, जब तक ये है, मतलब ये खत्म ही नहीं होने वाले, इनको देखना पड़ेगा कि अकेले रहते जा रहे हैं। अब इंसान की अंदर की इच्छा क्या होती है कि यार हमें ऐसी कोई चीज मिल जाए, हम हमेशा जवान रहे, हमारी उम्र ना बढ़े, हम हमेशा जीवित ही रहे। तो यहां जब वो दिखाया गया कि यार तुम जीवित तो रहने को मांगते हो, लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, इससे सबसे ज्यादा बुरी बात हो ही क्या सकती है, जब आप ये मूवी देखोगे आपको इसका आंसर मिलेगा। और माकिया का जब ये बच्चा मिलता है, इसका नाम रखती है ये एरियल, और ये एरियल जो है वो एक इंसान है। अब इंसान की तरीके से, एक इंसान की जो लाइफ साइकिल होती है वैसी ही चलती है, कि जब से बच्चा होता है, फिर वो टीनेजर, अडल्ट, फिर वो बूढ़ा होता है और उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। और माकिया को ये अच्छे से पता है कि एरियल जो है एक ना एक दिन इसको छोड़कर चले जाएगा, इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा, उस दिन इसके लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक होगा, वो पेनफुल होगा, बावजूद इसके कि भैया मैं अकेले रहना है, अकेले रहने के बजाय मैं ये थोड़ा सा ये जो दर्द है वो उसको मैं सह लूंगी। और ये बच्चे को पालना शुरू करती है और इसकी मां बनने की बहुत कोशिश करती है, बहुत मेहनत करती है, इसको जैसे तैसे इसमें दिखाया गया इंसानों के साथ रहना, इसको बहुत काम करना, बहुत कुछ चीजें सहना। अब एरियल धीरे धीरे बड़ा होता है, देखो इसके अंदर
विलन क्या है? इसके अंदर विलन है समय। जैसे जैसे समय बीतता है एरियल की जो है लाइफ मतलब कि उम्र बढ़ती है और एक उम्र में ऐसे पहुंचता है जब यहां पर अब ये माकिया को मां कहना ही छोड़ देता है, जहां पर माकिया ने इसके लिए बहुत ही मेहनत की है, इसको पालने में बहुत कुछ सहा है। अब एरियल जब बड़ा होता है तो देखो यार इसकी भी कोई गलती नहीं होती, जैसे जैसे ये देखता है कि ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता कि जो इसको जिसने इसको अपनी मां कहा, इसको जिसने पाला, इतनी मेहनत की, देखता है ये इज्जत भी करता है लेकिन ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे यार, यहां पर एज नहीं बढ़ रही है। एक टाइम आता है जहां पर माकिया जो एरियल से छोटी लगने लग जाती है। अब इसके अंदर जैसे जैसे आगे ये मूवी बढ़ती है, एरियल की जो लाइफ इसमें बढ़ती है, तो यहां पर जब वो छोटा होता है तो जैसे अपनी माकिया को मां कहता है, उसको मां कहना बंद कर देता है, लेकिन माकिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो उसके साथ रहना चाहती है क्योंकि उसने उसी के साथ जिंदगी जी है, उसको अपने बच्चे की तरह उसने बड़ा किया है। और ये जो रिलेशन दिखाया गया है इन दोनों के बीच में वो बहुत ज्यादा इमोशनल, देखकर बहुत ज्यादा आपको ऐसा फील होगा कि यार ये चीज गलत हो रही है, यहां पर इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप खुद फील करोगे यार ये चीज एरियल जब वो गलत कर रहा है, लेकिन एरियल के पर्सपेक्टिव से वो टीनेजर होता है, वो समझ नहीं पा रहा है, वो भी एक तरीके से सही है, मतलब वहां पर उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो। खैर मूवी के अंदर ये जो पूरी लाइफ साइकिल दिखानी होती है एक इंसान की, जो बच्चे से टीनेजर, एडल्ट, बूढ़ा, उसकी मृत्यु, ये जब साइकिल दिखानी होती है तो ये मूवी तो 2 घंटे में कंप्लीट करना होता है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि यार यहां पर ये मूवी काफी ज्यादा फास्ट हो गई, यहां थोड़ा सा इसको ब्रेक लेना चाहिए था और हमें कुछ चीजें और दिखानी चाहिए थी। और यही जो इसमें जो कमियां मुझे लगी कि यहां पर जब मूवी आफ खत्म हो जाए तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो वो सीन में ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि ये वीडियो और ज्यादा लेंथी हो जाएगी, वो मैं नहीं चाहता। तो यहां पर जब माकिया को ले जाया जाता है, जब आप मूवी देखोगे समझ जाओगे, माकिया को जब ले जाया जाता है तो हमें पता ही नहीं चलता यार वो इतने टाइम कहां से रही, फिर एकदम से लाइफ चेंजेस हमें दिखाए जाते हैं, एरियल बहुत टाइम बाद माकिया से मिलता है, ये वाली जो चीज उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी, इतना ज्यादा गैप दिखा दिया, वो चीज मुझे पसंद नहीं आई। और इस मूवी में एक फाइटिंग सीन आता है जब माकिया और एरियल आमने सामने आते हैं, यहां पर एरियल जो है वो पिता बनता है, अब माकिया इसके साथ ही होती है वहां पर। देखो यार ये वाली जो चीज इन्होंने दिखाई, एरियल का जो पिता बनना, यहां पर जो माकिया वहां पर होती है उसको सारी चीजें वापस याद आती हैं कि जब एरियल छोटा था तब उसने उसका हाथ पकड़ा था, तो ये इतना इमोशनल सीन मुझे लगा। इसके अलावा जो इसकी एंडिंग दिखाई जाती है, एंडिंग पे तो यार मतलब रोना आ जाता है यार, वो इतनी पेनफुल, इतना उसके अंदर उदासी, वो चीजें रिकॉल हमें करना, आप माकिया के साथ ऐसे कनेक्ट हो जाओगे आपको लगेगा कि यार हम ही अकेले रह गए हैं यहां पर। और जैसा मैंने कहा कि इस मूवी के अंदर सबसे बड़ा विलन है टाइम, समय। अब जब वो समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है, एक समय आता है जब एरियल का अब समय मतलब खत्म हो चुका है इस धरती के ऊपर, अब उसे जाना होता है, और इतना पेनफुल ये इसलिए और ज्यादा बन जाता है कि जैसे मेकर्स ने इसको रिप्रेजेंट किया है माकिया का वहां पर प्रेजेंट होना, मतलब जब एरियल बूढ़ा हो चुका है, वो बेड पर लेटा हुआ है और माकिया वहां पर उसके साथ में बगल में बैठी है, यार उस सीन को डिस्क्राइब करना मेरे पास वो वर्ड्स नहीं मिल पा रहे हैं, इतना सुंदर मुझे लगता है वो, दर्दनाक जैसे मैंने कहा, वो पेनफुल, उदास, सैड, वो सारी चीजें वापस रिकॉल होना, सब कुछ चीजों का वापस हमें दिखाया जाना, यार कमाल है, आउटस्टैंडिंग है, मतलब काबिलियत तारीफ है मेकर्स की जिन्होंने इतनी खूबसूरती से वो हमें चीज दिखाई है। इसमें जो माकिया और एरियल के जो रिलेशन तो दिखाया ही गया, काफी अच्छे से बताया गया है एक एरियल का यहां पर जाना, इसके अलावा एक और करेक्टर है लीलियम, जहां पर ये माकिया की ही दोस्त होती है, इसी के समुदाय की होती है, यहां पर इंसान जब इसको पकड़ लेते हैं, इसकी जबरदस्ती शादी करवा दी जाती है, इसका जो दर्द है यार वो तो एक्सट्रीम लेवल का मुझे यहां पर लगा, इसको एक कमरे में बंद रखा जाता है, मतलब इसको किसी से मिलने नहीं दिया जाता, इसका जो बच्चा है उससे इसको मिलने नहीं दिया जाता, ये जो चीज है इसको तो और ज्यादा भयानक बना देती है, एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर डार्क साइड दिखती है कि यार देखो तुम जाकर ज्यादा जिंदा रहोगे तो तुम्हें एक कमरे में अलग बंद करके रखा हुआ है, तुम्हें अकेलेपन से जीना पड़ेगा, कोई तुम्हारे साथ बात करने को नहीं है यहां पर। तो लीलिया का जो आप हाल देखते हो ना यार, वो दिल दहला देता है इस सीरीज में, इस मूवी के अंदर। और जब आप ये एनिमे मूवी देखना शुरू करोगे तो थोड़ी देर बाद आपको फीलिंग होने लगे कि यार इस एनिमे मूवी का मेन पर्पस ये कि आपको उदास कर सके, आपको इमोशनल ज्यादा कर सके और आपको रुला सके। खैर मजाक कर रहा हूं, मैंने जैसे कहा कि यार देखो यार ये मूवी का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो कहानी है, इसके जो करेक्टर हैं, इसके जैसे डेवलप किया गया है वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब इसके मेकर्स की काबिलियत तारीफ है यार, जो इतनी सुंदर कहानी हमारे सामने रखी है इन्होंने, देखकर एक अलग जोनर हमें फील होता है, एक अलग एक्सपीरियंस हमें मिलता है इसको जब मूवी को देखते हैं, बहुत बढ़िया स्टोरी हमें देखने को मिलती है। मैंने मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने सोचा भी नहीं था यार कि ऐसी चीजें भी हमारे सामने आएंगी, और
काफी ज्यादा खुश हूं कि मैंने ये मूवी देखी है। सच में बहुत अच्छा लगा ये मूवी देखकर। और जैसा इसमें नेगेटिव की बात करूं कि यार कमी क्या है, कमी तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि एक जो पल मुझे लगा जो हाफ मूवी खत्म हो जाती है कि माकिया का एकदम से चले जाना, इसको कोई लेके चला जाता है, जब आप देखोगे मूवी तब समझोगे। और फिर बहुत टाइम बाद एरियल और माकिया का मिलना, ये जो बीच का जो इन्होंने टाइम दिखाया वो बहुत फास्ट दिखा दिया है, एकदम से एरियल का पिता बनते हुए दिखा देते हैं यहां पर। तो यहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा ठहराव देकर थोड़ा हमें और डेवलपमेंट दिखाई जाती है करेक्टर के अंदर। देखो करेक्टर डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा है, जब ये मूवी की एंडिंग होगी आपकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके का करेक्टर डेवलपमेंट है, और जो माँ क्या लास्ट में बोलती है कि मैंने हाँ प्रोमिस किया था कि मैं नहीं रोऊंगी, मैं माँ हूं, माँ कभी नहीं रोती है, तो वो कहती है कि अब मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, मैं प्रोमिस तोड़ रही हूँ, सॉरी, जब वो ये बात बोलती है यार सच में वो सीन बहुत सुंदर। और जैसे वहां पर एनिमेशन जो की गई है, मैं यार कहा ना यार बार बार कमाल कमाल बोलना यार, वो भी मतलब समझ नहीं आ रहा कौन सा शब्द बोलूं इसके लिए, बहुत अच्छा है या फिर वही चीज मैंने बोल दी, आउटस्टैंडिंग है, बढ़िया है। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 9 out of 10 सर, मैं इसको 10 भी दे देता, वो बस एक जो कमी मुझे लगी उसके लिए मैं, मुझे लग रहा है कि यार हाँ 9 बहुत है। तो अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों ने मूवी कैसी लगी। और ये जो मूवी है वो इंग्लिश डब में भी है, जैपनीज में भी है, जैपनीज अगर आपको आती है विद सबटाइटल भी आपको मिल जाएगी। हिंदी से कोई उम्मीद मत रखना यार, हिंदी मतलब दूर दूर का नाता, जैसे मैं हर वीडियो में कहता रहा हूं 36 का आंकड़ा है भैया हिंदी और जैपनीज ये जो एनिमे होती है इसमें आने के लिए। और जिन्होंने नहीं देखी है तो यार एक बार ये एनिमे मूवी जरूर एक्सपीरियंस करना यार, आपको अलग जोनर मिलेगा, अलग कहानी मिलेगी, एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट, यार यही तो होता है ना कि यार हम एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं, इसके अंदर अलग क्या है, प्यार मोहब्बत के अलावा इसके अंदर और क्या हो सकता है, ये वो चीज आपको देखने को मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।